दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं एक माउस लेने के बारे में सोच रहा था, तो मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया और मैंने उसके बाद में ऑर्डर किया ज़ूक का ये ज़ूक ब्लेड ऑप्टिकल माउस। आज मैं इस माउस के बारे में आपको एक रिव्यू दूंगा, जेन्युइन रिव्यू दूंगा। इस तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बॉक्स को ओपन करते हैं। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया लगभग 450 रुपये का। अभी इसका जो प्राइस हो चुका है वो 400 रुपये हो चुका है। अब अगर आप इसको परचेज़ करोगे तो आपको 50 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है जो मुझे नहीं मिला है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं। इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। बॉक्स के अंदर डायरेक्ट इन्होंने एक माउस डाला हुआ और कोई पैम्पलेट वगैरह कुछ खास नहीं है। तो बॉक्स को रखते हैं साइड में। ये है वो माउस ज़ूक ब्लेड और काफ़ी लाइट वेट माउस है ये। यहाँ पर बैक साइड में नीचे इसके सेंसर हैं जिससे माउस काम करेगा और साथ में ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। और उसके नीचे इसकी USB डोंगल है जो आपके सिस्टम में लगेगी जिससे ये वायरलेसली काम करेगा। जो इसका डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया है, बहुत ही स्लिम है। इसका वेट भी मुझे लगता है लगभग 60-70 ग्राम होगा, बहुत ही लाइट वेट है और बहुत छोटा है, ऑपरेट करने में भी आपको आसानी होगी। अब इसकी USB डोंगल को मैं अपने लैपटॉप में लगाता हूँ। काफ़ी टाइट चिपका रखी है ये। अब इसको मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। अलग अलग तरह की इसके अंदर लाइट्स जग रही हैं जो बार बार कंटिन्यूसली इसका कलर बदल रही हैं। ये देखिए, रेड, पिंक, ब्लू, वाव, ये काफ़ी इम्प्रेसिव है, एक अच्छी फीलिंग देती है आपको। अब इसकी स्पीड के बारे में बात करूँ तो इस माउस को मैंने काफ़ी यूज़ किया है और मुझे लगता है इसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है। और इस माउस की सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, इस माउस के अंदर आपको सेल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस माउस को आप रिचार्ज कर सकते हो। इसमें माइक्रो केबल का इसमें एक चार्जिंग स्लॉट दे रखा है जिसे आप इसको चार्ज कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। 400 रुपये में आपको ऐसा माउस नहीं मिलने वाला है। अब इसके इंटरफेस की बात करूँ तो इसके अंदर आपको 2.4 GHz का वायरलेस इंटरफेस मिलेगा। ये तीन तरह के DPI मोड पर काम करेगा, 800, 1200 और 1600 DPI। जब यूज़ में ना हो तो ये ऑटो शट डाउन होगा और इसके क्लिक की आवाज़ भी नहीं आती, मतलब ये साइलेंट क्लिक करता है। और इसमें आपको 600 mAh की बैटरी मिलेगी जिसे एक बार चार्ज करने के बाद इसको आप कई दिनों तक कंटिन्यूसली यूज़ कर पाएंगे। और ये फ्लिपकार्ट पर कई कलर में अवेलेबल है जैसे कि रोज़ गोल्ड, ब्लैक, ब्लू, स्पेस ग्रे, वाइट। तो अगर आप भी 500 की रेंज में एक अच्छा माउस चाहते हो जिसको आपको चार्ज करने की बार बार या सेल बदलने की ज़रूरत ना पड़े, तो मुझे लगता है कि ज़ूक ब्लेड को आप परचेज़ कर सकते हो। ये आपके लिए एक अच्छी डील होगी 400 रुपीज़ में। तो ये तो था मेरा एक छोटा सा वीडियो ज़ूक ब्लेड ऑप्टिकल माउस के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि जब भी मेरा कोई टेक वीडियो है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। नमस्कार।